आज हम बात करेंगे कि दांतों में सड़न क्यों आती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे कैविटी यानी कि छेद और सड़न दुनिया की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ने एक सर्वेक्षण में पाया कि 35 से 44 और 65 से 74 साल की आयु के लोगों में 54 से 42% मुख की स्वच्छता नहीं थी। इसी तरह 12 साल की उम्र के 51% बच्चों में दांतों के बीच छेद या कैविटी थी। कैविटी होने के कारणों में अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को पसंद करना था। ये खाने हैं ब्रेड, अनाज, पेप्सी या केक जैसे सॉफ्ट पेय पदार्थों का सेवन करना, बच्चों को खाने में टॉफी और केक को लेना। यह सब पदार्थ हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसे अम्ल या एसिड में बदल देते हैं। बैक्टीरिया एसिड दांतों में अटका खाना और लार मिलकर प्लाक बनाते हैं। यह दांतों के साथ चिपक जाता है। प्लाक में मिला एसिड इनेमल जो दांतों की बाहरी परत होती है उसे गला देता है। इसके कारण दांतों में छेद या कैविटी हो जाते हैं। शुरू में ये छोटे छेद होते हैं, धीरे धीरे छेद बड़े हो जाते हैं और दांतों को और नुकसान पहुंचाते हैं। यह एसिड कुछ समय बाद इसी तरह दांतों की नरम परत को सड़ा देते हैं, जिसके कारण दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल टूट जाती है, डेंटिन की परत गल जाती है, जिसके बाद बैक्टीरिया अपना प्रभाव आगे बढ़ाता है और दांत की इनेमल के बाद सबसे अंदरूनी परत पल्प जहां नस पाई जाती है उसे भी सड़ा देता है। इससे दांत में भयानक दर्द और संक्रमण हो जाता है। दांतों के दर्द की ऐसी अवस्था में रोगी डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर कुशल डेंटल टेक्नीशियन के साथ दांतों में होने वाली खराबी का पता करता है। कुशल डेंटल टेक्नीशियन बनने के लिए पिछले कई वर्षों से दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPMI प्रशिक्षण दे रहा है। इच्छुक विद्यार्थी इस कोर्स को करने के लिए DPMI में प्रवेश ले सकते हैं। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरा मेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।